Hello, my dear students. How are you? I hope you are all quite well. तुम सब अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे. आज हम लोग हेलन केन्स का लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम PCL 5 एंड PCL 3. बोथ दोनों बेस्ड है SN2 पे. यानी हम लोग एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे बाय PCL 5 एंड PCL 3. दोनों SN2 के थ्रू होगा और फिर इसका हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे पहले लिखना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP फ्रॉम किसे एक PCL 3 और सेकेंड PCL 5. ठीक है, तो PCL 3 है PCL 5 से हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं किसका MOP. ये है MOP ऑफ हेलो अल्केन, है ना. चलो तो ये लेक्चर 2 है होगा. अब देखो क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम PCL 5 एंड PCL 3. जैसा मैंने कहा कि ये SN2 से होगा, तो चलो इसको देखते हैं. एक मैं रिएक्शन लिखता हूं, देखो R OH है, इसको PCL3 से जब करवाएंगे तो बनता है RCl प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO. क्या बनेगा? H3PO3 बनेगा, करेक्ट है ना. अब देखो ये होगा कैसे, क्या लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे. सबसे पहले ये देखो कि R है, O है, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है ना. अब यहां पे फॉस्फोरस है, 3 क्लोरीन्स है. क्या है? ये है 3 क्लोरीन्स. ठीक है, अब देखो 3 क्लोरीन्स है और फॉस्फोरस के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है. जिस सीरीज जिस ग्रुप जिस पीरियड से बिलोंग करता है फॉस्फोरस वो कौन सा, थर्ड पीरियड है. तो इसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है. क्या होता है इसके पास, ये होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, करेक्ट है. तो इसका मतलब ये रहा कि सर ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, फॉस्फोरस को दे देगा. तो ऑक्सीजन देगा इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के क्या चार्ज आएगी, प्लस चार्ज, यानी आर ओ एच. अब देखो जैसे ऑक्सीजन देगा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है. स्टूडेंट्स देखो स्टेप बाय स्टेप करना, मैंने सबसे पहले पढ़ाया है बेसिसिटी एंड लिविंग ग्रुप, इसलिए पढ़ाया है ताकि तुम्हें इसमें प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा बेस है, कौन पहले निकलेगा, कौन अटैक करेगा. तो ये तुम्हें इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि जॉ डालो रीन बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी. देखो इसमें क्या है कि क्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन जाएगा क्लोरीन अपने ग्रुप से यहां से लीव कर जाएगा कि क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है. तो अब क्या होगा, ये हो गया ओ पी सी एल और सी एल. अब देखना एक बार, क्लोरीन जैसे लीव करेगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज तो है, तो क्लोरीन जैसे यहां से निकलेगा, इस पोजिशन से क्लोरीन निकला और क्लोरीन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, कि क्लोरीन निकला तो नेगेटिव. जैसे निकलेगा क्लोरीन, अब देखो यहां पे आर के पास क्या है, काफी स्ट्रेन है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव चार्ज सस्टेन नहीं कर सकता है, या तो हाइड्रोजन को तोड़ना होगा, टूटना होगा, या फिर इस बॉन्ड को टूटना होगा. तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इमीडिएटली अटैक कर देगा इस अल्काइल ग्रुप में. अब बैक साइड से अटैक कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, SN2 का है, और जैसे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां से निकल जाएगा. तो अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आर सी एल प्लस पी ओ एच सी एल और सी एल. ठीक है, अब यही प्रोसेस तब तक होगा जब तक ये दोनों क्लोरीन भी ना हट जाए. अब इसके लिए कितने मोल्स लेंगे, देखो एक वो वन मोल लिया आर ओ एच, तो वन मोल आपका क्लोरीन हटा है, हटाया. तो यदि हमने दो मोल्स और लेंगे तो टू मोल्स और क्लोरीन हटेगा. सेम प्रोसेस को रिपीट करना है. देखो आर ओ एच है, अब इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो पी ओ एच सी एल सी एल. अभी भी इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये अटैक करेगा क्लोरीन हट जाएगा. तो जैसे हटेगा तो क्या होगा, आर ओ एच पी ओ एच
Cl और एक Cl आपका हटा है, ये बैक अटैक करेगा क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया अगेन, तो फिर ये बॉन्ड ऐसे मूव कर जाएगा और क्या होगा, ये R Cl प्लस P OH OH और Cl, देख रहे हो समझ में आ रही है। अब फिर से एक और स्टेप होगा, तो वन मोल्स लिया ROH, सेकेंड मोल्स लिया, थर्ड मोल्स सेम लेंगे, तो मैं इस बार लिखता नहीं हूं, तुम समझ गए होंगे कि कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट ले रहा हूं। तो देखो R O H है और इसके पास लॉन्ग पेयर है P O H O H और Cl, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं R Cl प्लस P O H O H और O H, यानी ये चीज क्या बन गया, इसको तुम H3PO3 भी लिख सकते हैं, थ्री ऑक्सीजन P और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ये कौन सा है, ये है फॉस्फोरिक एसिड। आगे समझ में, तो इसका हम लोग लास्ट में क्वेश्चंस भी करेंगे दो तीन, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से कि क्या हमने किया है। क्लियर हो गया क्या किया है? चलो तो PCl5 में कितने लिया हमने ROH, PCl5 में मैं यहां पे लिख देता हूं, तो हमने PCl5 में कितना लिया है ROH, तो हमने लिया है 3 मोल्स ROH और क्या हुआ PCl3 से रिएक्शन किया, क्या बन गया 3 मोल्स ऑफ RCl प्लस H3PO3। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है इस तरह से कि क्यों इस तरह से फॉर्म हुआ, क्यों हमने 3 मोल्स ROH लिया, डन हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब चलते हम लोग कहां पे, ये जा रहे हैं PCl5 पे, ठीक है, चलो उसको नोट करो जल्दी से, मूव करते हैं हम लोग कहां पे PCl5 पे, ठीक है। चलो ये देखो, अब जब PCl5 से करेंगे तो क्या होगा उसका रिएक्शन, देखो इसमें PCl3 कैसे बनता है, PCl3 कैसे बनता है, जब तुम व्हाइट फॉस्फोरस को 6 मोल Cl2 करेंगे, जो PCl3 कैसे बनता है, P4 प्लस 6 मोल Cl2 करेंगे तो क्या बनता है, PCl3 बनता है ना, तो P ब्लॉक में उसी तरह P4 को जब 6 मोल या 8 मोल एसोसिएशन टू से करेंगे थायनाइल क्लोराइड से तभी बनेगा, तो ये P4 प्लस 6 Cl2 से ये 4 मोल PCl3 बनता है, ठीक है। चलो अब हम मूव करते हैं आगे, ये क्या है PCl5, अब देखो PCl5 से क्या करेंगे, इसमें देखो PCl5 ना दो तरह से एग्जिस्ट करता है, एक है क्या PCl5 गैस, क्या करेगा ये गैस में है और ये क्या है PCl5 आपका सॉलिड है, ठीक है। अब देखो सॉलिड है तो थर्मली डिकम्पोज होता है, ये चीज हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, किसमें PCl4 प्लस और PCl6 नेगेटिव, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, क्लियर है, यानी बैक साइड से रैक करेगा ये। अच्छा यदि गैस होगा स्टूडेंट्स, तो गैस जो होता है वो एस एन आई में पार्टिसिपेट करेगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, कहां पे इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और सॉलिड होगा तो ये एस एन टू में जाएगा। अब दोनों का हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं कि लॉजिक क्या होता है, देखो क्या होता है कि यदि आपके पास आर है ओ है और ये एच है, अब PCl5 लेंगे Cl 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 और Cl, हमने किसी तरह स्ट्रक्चर बना दिया है यहां पे, तो अब क्या होगा इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो ये इस पे जैसे ही अटैक करेगा क्लोरीन के एक नेचर होता है लीविंग ग्रुप का, ये तो क्लीव कर जाएगा पोजीशन, और क्या होगा ये कंपाउंड आर ओ एच, यहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया पी सी एल सी एल सी एल और सी एल, एक्चुअली क्लोरीन एक बाहर निकला है तो ये एच बाहर निकल के क्या होगा एच प्लस सी एल नेगेटिव, यानी एच सी एल बाहर चला जाएगा, तो अब ये क्या होगा ऐसे बाहर जाएगा तो आर के पास क्या होगा फिर से लोन पेयर आ गया पी सी एल सी एल सी एल और सी एल, अब देखो फिर से क्या हो गया फॉस्फोरस वैकेंट ऑर्बिटल्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाएगा तो अब क्या होगा आर, अब देखो ऐसे नहीं जाएगा, क्या है कि ये वैकेंट ऑर्बिटल है फॉस्फोरस के पास, यानी फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये जैसे लेना चाहेगा तो क्या होगा क्योंकि क्लोरीन को पता है कि फॉस्फोरस के पास वैकेंट है, तो जैसे ही ऑक्सीजन क्लोरीन से लिया इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन लेगा इलेक्ट्रॉन
मतलब ऑक्सीजन से लेगा इलेक्ट्रॉन कौन फास्फोरस, ये ऑक्सीजन देगा इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन देगा उसी समय एट ए टाइम क्लोरीन क्या करेगा, इमीडिएटली अटैक कर देगा किस पे, अल्काइल ग्रुप पे। अब पूछोगे ऐसा क्यों करेगा, देखो होगा क्या कि इस चीज में बन जाएगा आर, यदि अटैक नहीं करेगा। अब ये देखो, अभी देखो यहां पे क्या होगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये जो कंपाउंड है, ये जो क्लोरीन है, यदि ये क्लोरीन फास्फोरस इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है किससे, ऑक्सीजन से, ये होगा आर ओ। अब देख लो पी डबल बॉन्ड पी सी एल सी एल और सी एल, तो यदि नहीं लेगा, नहीं निकलता है क्लोरीन, तो कितना ज्यादा स्ट्रेन होगा यहां पे। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन क्या करेगा, इमीडिएटली इस पर अटैक कर देगा, जब अटैक करेगा तभी जाकर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं एस एन आई रिएक्शन। मेरी बात समझ आ गई कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के पास क्या सेकंड ऑर्बिटल है, फॉस्फोरस क्या है वीस एसिड है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरीन को मालूम चल जाएगा कि यहां पर रिचेबल सोर्स हो चुका अपने इलेक्ट्रॉन के बाद, और भागेगा कहां, अब तो हाइड्रोजन भी नहीं है जिससे बॉन्ड बनाएगा, तो ये इमीडिएटली क्या करेगा, इमीडिएटली मतलब इंटरनली अटैक कर देगा आर ग्रुप पे। तो जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड बनेगा इस तरह से, जैसे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा आर सी एल प्लस पी डबल बॉन्ड ओ सी एल सी एल और सी एल। समझ में आ गई बात, तो आपका PCl5 से क्या होगा प्रोडक्ट, ये होगा और प्लस ये होगा POCl3। मेरी बात समझ में आ गई, तो याद रखना ये SNI है, ऐसा नहीं है कि क्लोरीन पहले टूटा फिर जाके बैक साइड से अटैक किया, ऐसा नहीं हुआ, ये इंटरनली स्ट्रेन आया इसके अंदर चेन के अंदर, तो उसके कारण से क्लोरीन इमीडिएटली अटैक कर दिया बैक साइड से, क्योंकि जैसे ये बॉन्ड बनेगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, ऑक्सीजन कार्बन से लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां भी क्लोरीन के पास क्या है, पर क्लोरीन को पता है कि फास्फोरस के पास क्या है, बहुत रिच रिच हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, इमीडिएटली अटैक कर देगा अल्काइल ग्रुप पे और इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। ये इंटरनली सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अब बात करते हैं किसका, PCl5 सॉलिड का, ठीक है। अब देखो PCl5 सॉलिड क्या करेगा, उसका एक अलग ही रूप है। अब क्या है रूप उसको समझते हैं। तो देखो जो PCl5 जो थर्मली डिकम्पोज होता है PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस में, अब देखो वो क्या करता है कि R है O है यहां पे H है, ठीक है। अब आपके पास P Cl 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 और Cl और केटायन से, इस बार मतलब इस बार फास्फोरस के पास पहले से ही वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, साथ साथ इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है। यदि इलेक्ट्रॉन सब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा देगा इसको, ठीक है, क्या करेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को देगा, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आर ओ, देख रहे हो। तो अब यहां पे एच पी सी एल सी एल सी एल और सी एल, देखो इस समय क्लोरीन बाहर नहीं निकल रहा है और यहां पॉजिटिव चार्ज भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया इसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब बाहर क्यों नहीं निकल रहा है क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था इस पे, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब यहां पे कुछ भी हो क्लोरीन नहीं निकलेगा लेकिन ऑक्सीजन के पास जो है अनस्टेबल हो गया क्योंकि थ्री बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। जैसे टूटेगा अब तो ठीक हो गया, जैसे टूटेगा तब क्या होगा आर ओ, ये देखो पी सी एल सी एल सी एल और सी एल, अब तो ठीक है। अब फास्फोरस को पता है कि हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास रिचेबल आ गया सोर्स, तो ऑक्सीजन के पास दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब ये ऑक्सीजन देसी फास्फोरस को देगा इमीडिएटली टूट जाएगा। अब टूट के क्या बनेगा, ये बन जाएगा आर ओ। अब देख रहे यहां पर पॉजिटिव चार्ज है डबल बॉन्ड पी सी एल सी एल और सी एल, ठीक है। अब आपका क्लोरीन बाहर निकला है और H बाहर निकला है, तो क्या बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया। चलो अब याद करो PCl6 नेगेटिव है क्योंकि अनस्टेबल होता है, तो PCl6 क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो Cl नेगेटिव है वो इस पे अटैक कर देगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये SN2 प्रोसेस के थ्रू हुआ है, तो ये हो जाएगा RCl प्लस POCl3। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया कि दोनों का एक डिफरेंस क्या है, SN जो PCl5 गैस है वो SNI से क्यों जाता है, उसका एक अलग लॉजिक था, ठीक है। अब यहां पे जो PCl6 और PCl एक्चुअली थर्मली टूट जाता है इसलिए SN2 में जाता है,
ये डिसोसिएट नहीं होता है, इसलिए ऐसा डाइन चैनल होता है, इंटरनली क्लोरीन फॉस्फोरस पर बैक अटैक कर देता है। ठीक है, तो अब देखो अब क्या है, इसके दो तीन क्वेश्चंस करते हैं जिससे तुम्हें कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलो बुक करते हैं, ये देखो अब इसके दो क्वेश्चंस हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो एक मैं लेता हूं क्या कि फर्स्ट है कि यहां पे है सी एस, ठीक है, और एच ले लिया यहां पे, ओ एच ले लिया हूं और सी टू एस ले लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने पीसीएल फाइव से अटैक करवाया है, ठीक है, और पीसीएल फाइव कौन सा सॉलिड दिया हो, ठीक है, तो सॉलिड से अटैक किया हो, पीसीएल फाइव सॉलिड से, और मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एक्स होगा वो क्या होगा, आर होगा, एस होगा, आर प्लस एस होगा, ये सिंपली वन टू थ्री फोर, या सिंपली टू क्लोरो ब्यूटेन होगा, क्या होगा ना, सोचो कौन सा कंफिग्रेशन होगा। और नेक्स्ट है कि चलो एक कैप, ये भी देखो ये भी कैरल है, एक और कंपाउंड लेता हूं और वो मैं लेता हूं, ये इस तरह का बेंजीन ले लिया हूं और यहां पे सी है, सी एच थ्री है, एच है और ओ एच लिया, इसको मैं पीसीएल थ्री से रिएक्शन कराता हूं, पीसीएल फाइव गैस से कराता हूं और पीसीएल फाइव सॉलिड से कराता हूं। अब तुम बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, जब सोचो दोनों का क्या बनेंगे प्रोडक्ट, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखो स्ट्रेंथ पहले सुनो, आरएस कॉन्फिगरेशन थोड़ा सा तो मालूम होगा, नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर आएगी कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन में, अदरवाइज बोर्ड वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा के बोर्ड में नहीं आते हैं। देखो ये है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसको सेकेंड है और आपके थर्ड है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होता है, ये मूव करता है आर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन एक ट्रिक्स है, वैसे लॉजिक इसके दो तीन रूल्स है, उसको याद करना है, नहीं याद कर सकते सिंपली हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, ये मूव कर रहा है आर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है एच, वो लेफ्ट या राइट साइड रहेगा, तो R हो जाता है S, S हो जाता है R, सीधी सीधी तुम फर्क इतने रूल्स नहीं याद रख सकते, तो ये याद रख सकते हो कि यदि R कॉन्फ़िगरेशन है तो ये जो बॉटम वाली ग्रुप है, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, बॉटम पे नहीं है, तो R S में, S R में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दिख रहा है आपको तो R कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका जो क्योंकि PCFX सॉल्व क्या करता है, इन्वर्जन करता है, वोल्टेज इन्वर्जन, और 100% इन्वर्जन होता है वोल्टेज, तो यदि आर है तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस हो जाएगा, ये देखो ये आर दिख रहा है, तो आर है तो क्या होगा, ये एस होगा, तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये दिख रहा है आर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जो लोवेस्ट ग्रुप है वो बॉटम में नहीं है, तो उस कंडीशन में जब लोवेस्ट ग्रुप बॉटम में नहीं रहता है तो आर जो होता है एस में, एस जो होगा आर में हो जाता है, ये दिख रहा है अपने को R configuration, लेकिन lowest group bottom में नहीं है तो S हो गया, ये configuration क्या हो गया, S हो गया, इसका opposite क्या होगा, inversion क्या होगा, R, तो अपन आंसर क्या होगा, R configuration, यानी R 2 chloro butane हो जाएगा। ठीक है, चलो इस पे चलते हैं। अब जो कि compound कैरल है PCl5 में क्या होता है, PCl3 में inversion होता है ना, क्योंकि ये SN2 होता है, तो जब inversion होगा तो इसका क्या product होगा, chlorine, यहां पे C, CH3, H और ये बेंजीन, देखो पीसीएल फाइव गैस है, इसमें क्या होता है SN I होता है, तो क्या होगा, ये बेंजीन है और यहां पे C, CH3, H और यहां पे Cl होगा। अब देखो पीसीएल फाइव सॉलिड है, सेम प्रोडक्ट बनेगा जो यहां बना है, क्योंकि ये भी SN2 ही होता है, तो क्या होगा यहां पे Cl, C, CH3, H और आपका एक बेंजीन, क्लियर हो गया। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे कैसे हम इसको प्रोडक्ट बनाते हैं दोनों से, और तुम्हें मैकेनिज्म भी समझ में आ गया होगा, आई होप। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।